एक बार एक राजा को मिलने उसके महल में उसका एक बहुत खास मेहमान आता है, और वो क्योंकि खास बहुत ज़्यादा मेहमान होता है उसका, तो उस मेहमान की बहुत खातिरदारी की जाती है। और उस खातिरदारी को देख के वो मेहमान उसको एक बहुत कीमती पत्थर देता है, और वो जो पत्थर बहुत कीमती होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर होता है, कुछ इस टाइप का देखने में कि जो भी उसको देखे वो देखता ही रह जाए। अब क्योंकि पत्थर बहुत खास था, बहुत कीमती था, तो मेहमान के जाने के बाद राजा ये सोचने लगा कि इस पत्थर का कुछ ऐसा बनाया जाए कि सदियों तक लोग इसको देखें और इसकी सुंदरता को महसूस कर सकें। तो राजा ने काफ़ी कुछ सोचा कि क्या इसका क्या बनाया जाए, इसका क्या किया जाए। तो काफ़ी सोचने के बाद उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत पत्थर है, तो भगवान की मूर्ति से बढ़ के और क्या बनाया जा सकता है इस पत्थर का। तो राजा ने ये फाइनल किया। तो इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने राज्य का महामंत्री उसको बुलाया और उसको बोला कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनानी है, लेकिन ध्यान रखना कि मूर्ति इस टाइप की होनी चाहिए कि देखने वाला उसमें कोई कमी ना निकाल सके, कोई कसर ना निकाल सके, मतलब इस पत्थर के साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। तो महामंत्री को अब ये काम करना था, तो इस काम को करने के लिए कोई आम मूर्तिकार वो नहीं चल सकता था, तो उस राज्य का जो सबसे खास, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड मूर्तिकार है उसको अप्रोच किया गया। उसको जाके ये बोला गया कि इस पत्थर के साथ भगवान की मूर्ति बनानी है, और मूर्ति जो है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि देखने वाला देखता रह जाए और उसमें कोई कमी ना निकाल सके। और उस मूर्तिकार को ये भी बोला गया कि इस मूर्ति का काम पूरा होने पे 50 सोने की मोहरें उसको दी जाएंगी। तो ये रकम बहुत बड़ी थी उस मूर्तिकार के लिए, आज तक उसे कोई भी मूर्ति बनाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। तो बाकी सारा काम छोड़ के वो मूर्तिकार इसी मूर्ति को बनाने में शुरू हो गया, और उसको ये भी बोला गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर इस मूर्ति को पूरा करना है। तो मूर्तिकार ने अपना काम शुरू किया। हथौड़े से अब काम था कि सबसे पहले उस पत्थर को तोड़ना है, क्योंकि तोड़ के उसके बाद ही उसको शेप दी जा सकती है मूर्ति के रूप में। तो मूर्तिकार ने अपना काम शुरू किया, उसको हथौड़े से ब्रेक करना शुरू किया। अब जब उसने उसके ऊपर हथौड़े मारने शुरू किए, तो उसने देखा कि ये पत्थर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। नॉर्मली किसी भी आम पत्थर को तोड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, बस एक दो बार प्रहार किया और पत्थर टूट जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार काफ़ी टाइम प्रहार करने के बावजूद भी उसने महसूस किया कि पत्थर नहीं टूट रहा। पर क्योंकि अब मूर्ति बनानी थी, अब राजा को प्रॉमिस भी किया था, और मूर्ति भी खास थी, और इनाम में मिलने वाली रकम भी काफ़ी खास थी, और उसने अपने एफर्ट्स और ज़्यादा करने जारी रखे और लगातार एक के बाद एक हथौड़े के साथ उस पत्थर के ऊपर प्रहार करता रहा। तो जब उसने 100 बार उसके ऊपर हथौड़े के साथ प्रहार किया, तो उसने देखा कि ये पत्थर नहीं टूट रहा। तो अब तक वो काफ़ी थक चुका था और उसको लग रहा था कि शायद ये पत्थर कभी नहीं टूट सकता। तो 101 बार जब उसने ट्राई करने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन वहाँ पे उसका जो हौसला वो टूट गया, और उसने डिसाइड किया कि राजा को बता दिया जाए कि ये जो पत्थर है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, और क्योंकि इसको नहीं तोड़ा जा सकता तो इसको मूर्ति भी नहीं बनाई जा सकती। तो उसने उस राज्य के फिर महामंत्री को, जो उसके पास आया था मूर्ति के लिए, उसको अप्रोच किया और उसको सारी बात बताई, और उसको बोला कि इस पत्थर के साथ मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब क्योंकि राजा ने बोला था कि मूर्ति को बनाना है, तो इस मूर्तिकार ने अगर इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो राज्य के दूसरे किसी और मूर्तिकार को अप्रोच किया गया और उसको बोला गया कि इसके साथ मूर्ति बनानी है, और इस टाइप की मूर्ति बनानी है कि देखने वाला दंग रह जाए और इस मूर्ति में कोई भी कमी पेशी ना निकाल सके। तो उसने बोला ठीक है जी, मैं बनाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। और हुआ क्या कि उस मूर्तिकार ने जैसे ही पहला हथौड़ा उस पत्थर के ऊपर मारा, और वो जो पत्थर है वो ब्रेक हो गया, और उसके ऊपर अच्छे से काम किया गया। 7 दिन के अंदर अंदर वो मूर्ति को रेडी कर दिया गया, और मूर्ति देखने में वाकई इस टाइप की मूर्ति बनी कि देखने वाला उसको दंग रह जाए। जो भी उसको देखता वो उसकी बहुत तारीफ करता, और उस टाइम के ऊपर वो महामंत्री यही सोच रहा था कि पहले वाला मूर्तिकार अगर वो एक बार भी और ट्राई कर लेता, अपनी हिम्मत ना हारता, तो ये जो मूर्ति है आज उसने बनाई होती, और ये जो 50 सोने की मोहरें हैं ये भी उसी को मिली होती। तो दोस्तों, सुनने में तो ये कहानी है, लेकिन इस कहानी से जो लर्निंग हमें मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, और कई बार टीम में भी लोग आके मेरे को कहते हैं कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। दोस्तों, बहुत बार हम लोग सक्सेस से सिर्फ कुछ कदम दूर होते हैं और हम लोग अपना हौसला छोड़ देते हैं और क्विट कर जाते हैं। अगर आपको भी सच में सक्सेसफुल होना है ना, तो अपने एफर्ट्स को तब तक कंटिन्यू रखो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, अपनी मनचाही मंजिल नहीं मिल जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।